हम लोग रोड पर है, कहीं भी हम लोगों की कोई स्थिति नहीं है। आज हम लोगों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए ये महिलाओं नायो जिले की, आप लोग घर से निकलो और अपने हक को लो। धन्यवाद मैम। अब आपके सामने लोकेश सर, आइए लोकेश। आप सभी तमाम अनशनकारी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उसका मेरे तरफ से धन्यवाद, जिन्होंने आप घर से दीपावली छठ को छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपनी हक की लड़ाई के लिए एकजुट हुए हैं। इसमें हम सब की हक को छीना जा रहा है, ये षड्यंत्र हम लोग को समझना पड़ेगा। यदि हम लोग यदि अभी नहीं सचेत होते हैं तो हम लोग शिक्षक नियोजन से विशेष सरकार बाहर कर दी है, हम लोग को अभी जगना पड़ेगा। मैं को देखिए, और हम लोग जो इस आमरण अनशन में शामिल हुए हैं इसमें हम लोग जब तक हम लोगों को पाली में सुनिश्चित नहीं करेगा तब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, तब तक हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन में अपना जान दे देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। हमारे सभी शिक्षक साथियों जिन्होंने भी सीटेट क्वालिफाई किया है उनके पास योग्यता है, उनके पास योग्यता की कमी नहीं है, उन्होंने एक बार में सीटेट क्वालिफाई किया है। सरकार अगर उनके योग्यता में किसी प्रकार की कमी सोचती है एक और एग्जाम करा ले, लेकिन उन्हें नियोजन में मौका दे, हमारी यही मांग है सरकार से। धन्यवाद।